वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये मेरा पिंड मेरे खेत और यहाँ मैं हूँ लुधियाना सिटी पंजाब में, जहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यूके में जॉब कैसे सर्च करें। जी हाँ, यूके में जॉब कैसे मिलती है इसकी बारे डिस्कशन करेंगे कि यूके में जॉब कैसे सर्च करें, उसके कुछ फ्यू स्टेप्स हैं जो आपको वन बाय वन फॉलो करने हैं, तो डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि मैं खुद यूके में 18 साल से रह रहा हूँ और मैंने खुद 5 घर बनाए और 59 कंट्रीज देखी है। यूके ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं यही चाहता हूँ कि हर गरीब माँ के बेटे को दो, पर आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप बोलना है। बहुत सिंपल वे से बताऊँगा कि आप यूके में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, आप यूके बैठे हो चाहे आप इंडिया या किसी और भी कंट्री से हो। यूके के लिए जॉब सर्च के सबसे पहले आपको प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रोफाइल में क्या आता है, आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस। देखो, अगर आप इंग्लिश अच्छी नहीं है, डॉन बीवर यूट्यूब पर आप इंग्लिश प्रैक्टिस कीजिए, पर बच्चों को पता है इंग्लिश प्रैक्टिस उसकी कीजिए, कोई आप कॉमेडी इंग्लिश शो देखिए जिसका नाम है जैसे माइंड योर लैंग्वेज है, वो इंग्लैंड का सबसे फेमस शो है, जहाँ पर आप जाकर आपको एक्सेंट ज़्यादा लगेगा, थोड़ी इंग्लिश सीखोगे। नंबर वन। नंबर टू, अपना CV बनाओ टॉप क्लास का, कवर लेटर बनाओ, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप जैसे इलेक्ट्रिशियन हो फॉर एग्जाम्पल, उनमें कुछ वीडियोज़ डालो जो आपने काम किया। अगर सिविल इंजीनियर हो, अपने वर्क की थोड़ी सी या डिग्री की जो प्रोजेक्ट किया है, अगर फ्रेशर भी हो, थोड़ा सा वर्क डालो और उसको शेयर करो, क्योंकि आपके आजकल जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक है ये चेक होते हैं, और आप बड़े आराम से उनको अपने वीडियोस एज सैंपल दे सकते हैं। कंपनी को बहुत इजी हो जाता है CV पढ़ने की वजह से, अगर आपका वो काम देख लेंगे वो आपको बड़े आराम से ले सकते हैं। तो गाइस, हो सके तो अपना जो वर्क है वो इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस डालें या उसकी फोटोग्राफ खींच खींच कर डालें, इवन कि आप फ्रेशर भी हो। इसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप नंबर टू है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ रजिस्टर होना है। मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा है, लोग बोलते हैं सर CV लाइब्रेरी में रजिस्टर नहीं हो पा रहे, हमारे पास UK का सिम नहीं है। रजिस्टर नहीं हो पा रहे CV लाइब्रेरी, वो एजेंसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी उसका नाम ढूंढें, उनके वेबसाइट पर जाएं, गूगल सर्च कर करियर पेज में जाकर आप उनको CV की उनकी ईमेल एड्रेस ढूंढ कर CV और कवर लेटर भेज सकते हैं। CV और कवर लेटर लोगों को पता ही नहीं है, लोग फोटोग्राफ लगाते हैं, यूरो से बनाते हैं, ऐसा CV नहीं चलता है। CV वही चलेगा जहाँ पर आपके 8 सेक्शन होंगे। एनी में अगर CV बनाना है मेरे से, आप CV बनाने के लिए मेरे पास इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और मेरी ID रियल गैरी कुमार, जिसकी मैंने CV बनाया है उसको जॉब मिल गई है और वो बड़े आराम से UK बैठा हुआ है, और इवन कि वो यूरोप में भी जॉब ढूंढ गया है। तो गाइस, हो सके तो आप CV बनाने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, इसके लिए इंस्टाग्राम है, और इवन कि करियर और कोई कोर्स चूज़ करने से पहले पूछ सकते हैं। और मेरी ऑफर में जो प्राइस है वो 700 Indian rupees, 1000-1200 ऐसे चलती है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ऑफ़र देखें, उसका बेनिफिट लें और करियर कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर अगेन, मेरे पास ना कोई जॉब है, ना वीज़ा है, ना मैं वकील हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। इसके अलावा जो स्टेप नंबर 3 है, जो बताया 2 पर, तो आपको CV लाइब्रेरी हो गया, टोटल जॉब्स हो गया। इसके अलावा आपको स्टेप नंबर 2 पर रजिस्टर होना चाहिए, CV लाइब्रेरी है, टोटल जॉब्स है, indeed.co.uk है, LinkedIn है, Glassdoor है, jobs.ac.uk है, nhs.co.uk है, IT Board है, हर एक वेबसाइट है, कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट अलग है। आप वहाँ जाएँ, अपना CV और कवर लेटर रजिस्टर करें और डेली 50 जॉब अप्लाई करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक लड़के को होटल में जॉब मिल गया एज ए बार मैनेजर की, वो आप में से MBA लड़का था जिसका वीज़ा ख़त्म होने जा रहा था, बहुत स्ट्रेस था, और उसको होटल में स्पॉन्सरशिप मिल गई, आज उसकी लाइफ सेट हो गई। तो अगर उसकी लाइफ सेट होगी तो आपकी भी सेट होगी। गाइस, अगेन, कई वीडियो दिल को छू रहा है, बाबू वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं 18 साल UK में रह रहा हूँ। इसके अलावा फ्रॉड से बचें, UK में बहुत से लोग बोलते हैं मेडिकल करा लो, आपको पैसे वहाँ से कटेंगे, आपको होटल नकली कागज आते हैं, वो सब फ्रॉड ऑफर लेटर है। ऑफर लेटर घर बैठ कोई बना लेगा, जब तक आपकी इंट्री नहीं होती ब्रिटिश एम्प्लॉयर के साथ, तब तक ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं। फ्रॉड से बचो, अपने पैसे मत वेस्ट करो, और रियल आप खुद सोचो आपको कोई क्यों लेगा, जब UK में ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़े हैं, उनके पार्टनर हस्बैंड वहाँ पर हैं और वो कोई भी जॉब कर सकते हैं, वो टैलेंटेड है, तो आपको कौन लेगा। तो फ्रॉड से बचिए गाइस। तो इसके अलावा UK ने इशू की हुई है आपको गाइडेंस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, जहाँ पर अभी केयर वर्कर जो होते हैं जिसके लिए कोई डिग्री खास नहीं चाहिए, जो बूढ़े लोग के लुक आफ्टर करते हैं, उनका नाम भी ऐड हो गया। तो UK में ऐसा नहीं है, UK में इंजीनियर्स, IT के अलावा बहुत सारे और स्किल्स हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है UK में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, आपको जाना पड़ेगा, वो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके 20 पॉइंट है सीधे स्किल्ड वर्कर के लिए। तो आप हो सके तो वो स्किल सीखें जिसकी UK में ऑलरेडी शॉर्टेज है। इसके अलावा मैं आपको एक टिप्स दूंगा, कीप अवेयर ऑफ यूथबिलिटी वीज़ा, जो इंडियन लोकल खुल चुका है, जो कि बहुत नेगेटिविटी है मीडिया में कि वो अभी खुला नहीं है, वो नहीं खुलेगा। अरे, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर दोस्त, अगर वेबसाइट पर है तो वो जरूर खुलेगा, तो नेगेटिव को मत सुने। वो खुलता है सिर्फ 48 आवर्स के, जहाँ पर ईमेल भेजते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जैसे वो खुलेगा बता दूंगा। और आपके सिर्फ 48 आवर्स होते हैं, आपको सिंपल ईमेल करनी होती है और अपना नाम लक्की ड्रॉ में डालना होता है। यूथबिलिटी स्कीम वीज़ा पर भी आप कीप आई ऑन रखें। इसके अलावा जो कंपनी है UK 35,000 के पास है, उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, तो मेक श्योर करो जब भी जॉब अप्लाई करो
चेक करो, टाइम वेस्ट मत करो, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर क्या उनका लाइसेंस स्पॉन्सरशिप है। अगर लाइसेंस स्पॉन्सरशिप उनके पास है मेरे दोस्त, तभी वो आपको बुला सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या उनके पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है, डरने की बात नहीं है, तो बिंदास होकर उस कंपनी में जॉब अप्लाई कीजिए जहाँ पर उनके पास लाइसेंस है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे रोल्स रॉयस होती हैं, जैगो लैंड रोवर है, आप उनको टारगेट कीजिए, वहाँ जाकर अप्लाई कीजिए। उनके बहुत ग्रेजुएट रूट्स प्रोग्राम्स होते हैं, आप उन पर जाइए और उनको टारगेट कीजिए। जो भी आपकी स्किल है, अगर आप MBA के हो तो आप NHS में मैनेजर की जॉब अप्लाई कर सकते हो, बार अटेंडेंट कर सकते हो, होटल मैनेजर कर सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। पर UK में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता आपका एक्सपीरियंस। और UK में ये मैटर नहीं करता, डिग्री आपने चाहे होटल में की, आप इवन कि किसी और फील्ड में भी काम कर सकते हो। तो अगर आप मैनेजर हो, आप बैंक मैनेजर भी बन सकते हो MBA की, आप वार्ड मैनेजर बन सकते हो NHS में, और होटल मैनेजर बन सकते हो, शॉप मैनेजर। तो ये डिपेंड नहीं करता है मेरे दोस्त कि आपने डिग्री कहाँ पर की है। इसके अलावा जो मेरे बच्चे हैं बहुत मासूम हैं, उनको पता ही नहीं कि UK की जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट है इंडिया से। कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है वो होती है कॉन्फिडेंस बेस्ड इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस बेस्ड इंटरव्यू आपको देखना होता है, एग्जाम्पल देनी होती है, जहाँ पर आपको बताना होता है कि आप एज ए पर्सन क्या हो, जिसकी हमारे इंडिया में कम इंटरव्यू होती है। मतलब कि गिव मी एग्जाम्पल व्हेन यू वर्क एज ए पार्ट ऑफ ए टीम, जब आपने वर्क अंडर प्रेशर काम किया है। गिव मी एग्जाम्पल व्हेन यू हिट ए टारगेट। गिव मी एग्जाम्पल व्हेन यू सेटिस्फाइड ए कस्टमर। तो गाइस, आपने क्या करना है, आपने बिंदास होकर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आपको इंटरव्यू UK से आती है, उसकी मैं फ्री तैयारी कराता हूँ, मेरे पास आ सकते हैं। पर गाइस, आपका CV और कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, उसके बगैर आपको जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल। अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे, कोर्स वो चूज़ करो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, स्पॉन्सर लिस्ट खुद जाकर देखो UK की वेबसाइट पर, तो आपको बहुत नॉलेज। कोई भी आदमी आपसे फ्रॉड करने से 10 बार सोचेगा। आई होप मैंने बता दें कि UK में जॉब कैसे सर्च करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, UK आओ। यहाँ पर जो एवरेज सैलरी वो 30,000 pounds से लेकर 1,00,000 pounds तक है, मतलब 30 लाख से 1 करोड़ पर, डिपेंड करता है आपका कौन स्किल है और कितना आपका एक्सपीरियंस है। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। पर जाते जाते मेरा पिंड मेरे देश लुधियाना से हूँ, वीडियो दिल खोल के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।